सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से शनिवार को ईद मिलन समारोह का आयोजन WMO के लेडीज विंग की चेयरपर्सन सना परवेज उपाई द्वारा किया गया था। सना उपाई द्वारा ईद मिलन कार्यक्रम महिला एवं बच्चों के लिए खास तौर पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्य आभा पांडे और डॉक्टर कविता चांडक उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान आयोजिका सना उपाय द्वारा बताया गया कि बीते साल यह कार्यक्रम का आयोजन समाज के महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस साल इस कार्यक्रम का दूसरा साल है। साथ ही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताते हुए उपाय बोली कि समाज के महिलाओं के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाना चाहती हूँ। इसी श्रृंखला में आज ईद मिलन का आयोजन कर स्वास्थ्य को लेकर जन जागृति के उद्देश्य से कविता चांडक और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आभा पांडे को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ महिलाओं एवं बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना परवेज उपाई वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन की नागपुर की फर्स्ट सिटी चेयरपर्सन हूँ। आज हमारे यहाँ ईद मिलन हो रहा है नागपुर कम्युनिटी की मेमन लेडीज के लिए, लेडीज एंड किड्स, इसलिए कि लेडीज किड्स कहाँ छोड़ के जाएंगी, तो इसलिए हम बच्चों को भी बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और माँ के बिना बच्चे तो रहते भी नहीं हैं। इसीलिए हमारा एक ये रहता है एफर्ट कि माँ भी रिलैक्स होकर बच्चों के साथ आए। तो आज ईद मिलन के मौके पर, यह हमारा कंसेक्यूटिव सेकेंड ईयर है ईद मिलन का करने का। लास्ट ईयर हमने रखे थे बच्चों का फर्स्ट रोज़ा, पूरे 30 रोजे मुकम्मिल, फर्स्ट कुरान शरीफ। बट इस बार उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे पास टॉपिक था वुमेन हेल्थ के लिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डॉक्टर कविता चांडक जो ग्लोबली देते हैं अपने स्पीकर है, वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल, उनका पास टाइम नहीं था तो ईद मिलन के अलावा मैं उनका कुछ कर नहीं पा रही थी। और मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ का था कि भाई हमारे यहाँ की कम्युनिटी की लेडीज़ अपनी हेल्थ को लेके जल्दी से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी थोड़ी सी लापरवाह हम कह सकते हैं, और थोड़ी सी ऐसा है कि वो अनकंफर्टेबल होती है गायनिक के पास जाने के लिए, जल्दी से खुल के अपनी सिम्टम्स या जैसे कुछ चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं वो नहीं बताते हैं। आजकल सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, काफ़ी कुछ चल रहा है, ये चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलार्मिंग सिचुएशन है, ये सब हमको डॉक्टर कविता चांडक मैम बताएंगे। हमारे दूसरे पहले गेस्ट तो वैसे आभा मैम है। वैसे तो हमारा था कि इलेक्शन बाद में होंगे, तो हमारा था कि आभा मैम हमको थोड़ा मोटिवेट करेंगे वोटिंग के लिए कि भाई वोटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। जब अगर घर की औरत निकलेगी ऑटोमेटिकली जेंट्स भी निकलेंगे, बट इलेक्शन अपने यहाँ कल हो चुके हैं, फिर भी आभा मैम वुमेन एम्पावरमेंट पे हमको मोटिवेट करेंगी। और हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे घर की बहू बेटियाँ जो भी मेमन कम्युनिटी की है बगावत करके आगे बढ़े। घर के बड़ों की दुआ के साथ, घर के बड़ों की हम वडील बोलते हैं, जो हमारी घर की हेड लेडी रहती है उनको वडील कहते, उनकी दुआ के साथ घर का अच्छा माहौल रखते हुए आगे बढ़े हमारी ये कोशिश रहती है। और आज के प्रोग्राम का एजेंडा यही है, वेलकमिंग स्पीच रहेंगी, दोनों गेस्ट को फेलिसिटेट करेंगे, हम दोनों के नोट्स रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स की, बहुत शॉर्ट टू शॉर्ट हम करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ हज के लिए जो जाते हैं वो जो लेडीज हमारे यहाँ से जा रही है उनको फेलिसिटेट करेंगे। फिर मेरा अट्रैक्शन रहता है हमेशा ईद मिलन का लकी ड्रॉ, तो हमेशा मैं अपने तरफ से करती। वैसे तो ओवरऑल ये फंक्शन स्पॉन्सर्ड बाई आई शुड से माई हस्बैंड, ऑल थैंक्स टू माई हस्बैंड, माई फैमिली, दे आर वेरी सपोर्टिव। पूरा क्रेडिट मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे, मेरी बेटी को जाता है, मुझे मोटिवेट करते हैं सोशल वर्क के लिए, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली। थैंक यू फैमिली।
कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं एवं बच्चों का अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।